हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। सो फ्रेंड्स, एमटीवी स्प्लिट्स फिला सीजन 14 में इस वीक बहुत कुछ हुआ डंपिंग जोन में। उससे पहले बता दें कि न्यू गर्ल्स में तीनों को चैलेंज परफॉर्म करना था और तीनों गर्ल्स ने अपने कनेक्शन चूज किए फॉर द टास्क। वहीं उन कनेक्शंस को यानी उन तीन बॉयज को चुनना था आइलैंड ऑफ वीनस की बाकी तीन लड़कियों को। तो महक चोज कशिश एंड कशिश चोज सौंदूज, प्राक्षी चोज आगाज, आगाज चोज आकाश लीना, हीबा चोज सोहेल एंड सोहेल चोज साक्षी। अब टास्क के विनर बने कशिश, सौंदूस एंड महक। पर बॉयज में उन दो लड़कियों में एक को डंप करना था और एक को सेव, तो कशिश ने सौंदूस को डंप किया और महक को सेव किया क्योंकि वो कनेक्शन ढूंढ रहा था, इसलिए उसने सौंदूस को डंप करना सही समझा। वहीं अब बारी थी डंपिंग जोन की, तो कशिश, महक, प्राक्षी व सेफ, सो दे वर पावर कंटेस्टेंट्स नाउ। बाकी सभी बॉयज और सभी गर्ल्स डंपिंग जोन में खड़े थे। सभी बॉयज को किसी एक गर्ल को सेव करना था, तो सब ने सौंदूस को सेव किया बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्किंग है। अर्जुन ने अनाउंस किया कि आज स्प्लिट्स विला से तीन कंटेस्टेंट डंप होंगे, जिसके बाद सभी डर गए थे क्योंकि ये पावर विनिंग कंटेस्टेंट्स के पास थी। तो प्राक्षी ने जोशुआ को डंप किया, महक ने आकाश लीना को डंप किया और कशिश ने साक्षी डी को डंप के लिए चूज किया। लेकिन जोशुआ ने एक कार्ड पिक किया था डंपिंग में जो कि जोकर निकला, यानी कि बाकी लोग जो भी डंपिंग में खड़े थे उनको साक्षी, आकाश लीना और जोशुआ में से किसी एक का नाम लिखकर डंप करना था। सो मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स डंप जोशुआ। सो इस सीजन बहुत ही रफ एंड टफ कंटेस्टेंट बनकर आए जोशुआ को शो से होना पड़ा एलिमिनेट जस्ट बिकॉज सभी कंटेस्टेंट ने उसकी गर्ल्स की डिसरिस्पेक्ट वाली साइड को देखा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जोशुआ को खुद को प्रूव करने का एक चांस मिलना चाहिए था या वो डंप होना डिजर्व करता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं एंड में सनी और अर्जुन ने खबर दी कि अब आइल ऑफ मार्स और आइल ऑफ वीनस कनेक्ट हो जाएंगे और सेपरेशन की जर्नी यहीं खत्म होगी। सो अब असली मजा आएगा शो में। तो फॉर मोर वीडियोस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।